क्या चीज है और पावर को हम कैसे मैयर कर सकते हैं उनका। सो फार अवर प्रीवियस डिस्कशन इज कंसर्न, आपने बड़ी डिटेल में वर्क डन कंप्लीट किया, डिस्कस किया। वर्क डन की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं ये भी आपने बेटे डिस्कस किया अच्छे से, और उसके बाद आपने बेटे वर्क डन के बाद काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारा आपने डिटेल में बेटा डिस्कशन कंप्लीट किया। सो इसके बाद हमारा कॉन्टिन्यूएशन में नया कंसेप्ट हमारा जो है दैट इज ऑफ पावर बेटे, मैकेनिकल पावर भी आप इसको बोल सकते हो या सिंपली आप पावर भी इसको कह सकते हैं। पावर को हम बेटे डिफाइन कैसे करें, एक मैं एग्जांपल लेकर बेटे स्टार्ट कर रहा हूँ। इमेजिन करिएगा दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक मूव करना चाहते हैं यूजिंग द स्टेयर्स। एक बच्चा जो है, एक स्टूडेंट जो है, उसने उतनी ही स्टेयर्स जो है 8 सेकंड्स में कवर करके फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच गया, और सेकंड स्टूडेंट जो है वो 10 सेकंड्स का टाइम जो है वो लेता है। तो दोनों वर्क बराबर कर रहे हैं लेकिन टाइम टेकन बाई बोथ द स्टूडेंट्स इज नॉट द सेम। जो बच्चा कम टाइम में ज्यादा वर्क जो है वो कर रहा है दैट इज हैविंग बेटा, जो बेटे बच्चा ज्यादा काम कर रहा है दैट वी विल बी सेइंग दैट कि उसकी पावर जो है वो इन कंपैरिजन टू द स्टूडेंट विच इज परफॉर्मिंग द सेम वर्क इन लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम पावर ज्यादा है। सो इन दिस केस बेटे आइए थोड़ा डिफाइन कर लें पावर का कंसेप्ट। पावर जो है इट इज डिफाइंड एज द रेट एट विच वर्क इज डन। मैथमेटिकल फॉर्म में आप जो पावर है इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पावर दिस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड सर बाई। हाँ जी बेटे सर सर बोलिए। कैमरा थोड़ा राइट में करना, हाँ कैमरा थोड़ा राइट में करना। थैंक यू सर। सो बेटे इन दिस वे वी से दैट कि पावर जो है इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क या रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन दैट वी कॉल एज पावर। एंड पावर दिस इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई द टाइम टेकन, आप ऐसे भी कह सकते हैं, या आप सिंपली ये कह लीजिए पावर जो है दिस इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। सो दिस इज द वे टू डिफाइन द टर्म पावर। अब इसके यूनिट्स के रिगार्डिंग बात आ जाती है कि पावर के यूनिट्स कौन कौन से होने चाहिए। वर्क डन डब्ल्यू जो है इट इज इन जाउल्स इन एसआई सिस्टम, एंड टाइम टेकन इट इज इन सेकेंड्स इन एसआई सिस्टम। देन जो पावर है इट विल बी जाउल्स पर सेकेंड, और जाउल पर सेकेंड को आप वॉट कहा करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। जाउल पर सेकेंड जो है दिस इज टर्म्ड एज वॉट, और सिंपली आप ये भी कह सकते हो कि 1 जाउल ओवर 1 सेकेंड दिस इज इक्वल टू 1 वॉट। अगर 1 जूल वर्क 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है देन वी से दैट द पावर ऑफ दैट सोर्स इज इक्वल टू 1 वॉट। इस 1 वॉट या सिंपली वॉट के बिना हमारे पास और भी पावर के अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे किलोवाट है और मेगावाट है। दिस इज किलोवाट एंड इट इज मेगावाट। इनको अगर हम देखें, इलेबोरेट करें फर्दर मोर, 1 किलोवाट जो है दिस इज 10^3 वॉट्स, एंड 1 मेगावाट जो है दिस इज 10^6 वॉट्स। इसका आप ध्यान रखिएगा।
एक इनके दोनों के बिना और भी यूनिट है हमारे पास, दैट इज हॉर्स पावर. हॉर्स पावर, वन हॉर्स पावर जो है ये 746 वॉट्स के बराबर हुआ करता है. सो दिस इज आल्सो टू बी कैप्ट इन माइंड. सो वी हैव इट ए फ्यू मोर यूनिट्स आफ्टर यूर वॉट. सबसे पहले हमारे पास एसआई सिस्टम में पावर का यूनिट वॉट है. वॉट के बिल्कुल सेम बेसिस पे इससे बड़ा यूनिट किलो वॉट आ जाता है आपका. एक किलो वॉट में 1000 वॉट्स होते हैं. इसके बाद मेगा वॉट आ जाता है और 1 मेगा वॉट में 10 डेज पर 6 वॉट्स होते हैं. देन इसके बाद हमारे पास स्टिल एक और यूनिट है हॉर्स पावर बेटा. और हॉर्स पावर जो है 1 हॉर्स पावर आपका मैथमेटिकली 746 वॉट्स के बराबर होता है. इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है. अब बेटे पावर को थोड़ा और वे में भी डिस्कस और डिफाइन किया जा सकता है. आइए जरा कंसंट्रेट करें कि किस हिसाब से हम इसको पावर को फर्दर मोर डिस्कस कर सकते हैं. द कंसेप्ट ऑफ पावर क्या है, पावर को हम और कौन से वे से डिफाइन कर लेंगे बेटा. इस केस में जब आप पावर की बात करते हो बेटा, आपने अभी अभी कहा था पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क. और वर्क डन आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है. वर्क डन आपका एफ एस कॉस ऑफ एंगल थीटा के बराबर आपने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर रखा है. अब बच्चों जब हम बात करेंगे इस वर्क डन के बेसिस पर पावर को डिफाइन करने की, देन व्हाट विल हैपन कि हम बेटे इसको वैल्यू को बेटे सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्टली. और जब आप इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास बेटे जो है पावर, इट विल बी इक्वल टू एफ एस कॉस ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय टी. ये चीज आपके पास जो है ये बन जाएगी. यहाँ पे टर्म्स का थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करने पे इट विल बी फोर्स डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन इनटू कॉस ऑफ एंगल थीटा, आप ऐसे भी बोल सकते हो. और ये आपका एस अपॉन टी जो है इट इज नथिंग बट बेटा स्पीड. सो आपका मैकेनिकल पावर जो है या सिंपली पावर जो है एफ वी कॉस ऑफ एंगल थीटा के बराबर भी आप इसको कह सकते हैं. सो दिस इज द वे टू डिफाइन द टर्म पावर. और पावर आपका, अब देखिए आपने दो रिलेशनशिप कर लिए. एक तो पावर आपका डायरेक्टली वर्क डन पर यूनिट टाइम था ही था. सेकेंडली आपने वर्क डन की वैल्यू पुट करके इसको इस फॉर्मेट में कैलकुलेट कर लिया. तो बोथ द वेज आर इक्वली एप्लीकेबल, आप जैसे मर्जी इसको सॉल्व कर लो. सो डियर चिल्ड्रन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर देखिएगा, कोई आपको पॉइंट नहीं पता चला तो बताइए, मैं आपको रिपीट कर दूं. ऑल ऑफ यू बेटा सर, जैसे आपने एस के नीचे टी डाला तो एफ के नीचे भी तो टी होएगा ही, क्योंकि वो सारी टर्म के नीचे है. बेटे ये मल्टीप्लीकेशन में आप जिधर मर्जी लिख सकते हो. ये ऊपर वाली सारी टर्म्स मल्टीप्लाइड है ना, तो जो टी है आप इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे लिख लो, दैट विल हार्डली मैटर. आप तो प्रोडक्ट को टी से डिवाइड कर रहे हो, तो आप पहली टर्म को कर लो या मिडिल वाली को कर लो, जिसको मर्जी कर लो, इट विल हार्डली. हाँ जी सर, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को तो वेलोसिटी हुई ना. मैं डिस्टेंस ओवर टाइम कह रहा हूँ, स्पीड कह रहा हूँ मैं. अगर आपका स्ट्रेट लाइन में स्पीड है तो आप वेलोसिटी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर अगर हमें वेलोसिटी देखें तो हम उसमें को इनिशियल वेलोसिटी देखेंगे या फाइनल वेलोसिटी देखेंगे? नहीं, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, जिस इंस्टेंट पे आप पावर निकालना चाहते हो. आपका आपका जो आपका बेटे एक मिनट सुनिएगा ध्यान से. आपका जो भी सोर्स है वर्क परफॉर्म कर रहा है, वर्क कर रहा है, आप उस सोर्स की पावर जो है उसके वर्क के ऊपर डिपेंड करती है कि कितने टाइम में वो कितना वर्क कर रहा है. तो कौन से टाइम पे
आपने उसका वर्क डन मेजरमेंट किया है कि कितने टाइम के बाद किया है, दैट विल गिव यू बेटा द अमाउंट ऑफ द वर्क डन, और उसको यूज कर लोगे तो आपकी पावर उस सोर्स की निकल आएगी पावर। बोलिए बेटे, आप कुछ कहना चाहते थे? यस बेटा, ओके। चलिए फिर बेटे, इसके बाद आपके पास कंसेप्ट आ जाता है एनर्जी का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। एनर्जी में भी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कंजम्पशन के बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह छोटे छोटे पूछे जाते रहे हैं, आइए इनके बारे में थोड़ी सी बात करके देखें बेटा। एनर्जी जो है ये क्या चीज है? एनर्जी रादर मैं इलेक्ट्रिक एनर्जी कहना चाहूंगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी आपका जो है ये टॉपिक इसके बेसिस पे कई बार आपको छोटा मोटा जरूर पूछा जाता है। आपने प्रेजेंटली इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल पावर को डिफाइन किया, इट इज द रेट एट विच द वर्क इज डन। अब ध्यान दीजिएगा, जो वर्क आप कर रहे हो, अगर तो ये मैकेनिकल वर्क डन है तो आपका पावर भी मैकेनिकल है, अगर आप इलेक्ट्रिक वर्क परफॉर्म कर रहे हो तो आपका जो पावर है इट विल नॉट बी मैकेनिकल, इट विल आल्सो बी द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक सोर्स, जो आपको इलेक्ट्रिक वर्क करके दे रहा है उसकी पावर के बारे में हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे। अब बच्चों, यहाँ पे आपको याद होगा आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ये बात कही थी कि अगर आपका जो लॉस ऑफ एनर्जी नहीं होता है तो आपका सारे का सारा वर्क डन जो है वो बेटे इस पर्टिकुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाया करता है। आई मीन टू से दैट इफ नो लॉस ऑफ एनर्जी इज देयर तो आपका वर्क डन जो है एनर्जी के बराबर हो जाता है। हम इसकी जगह पर एनर्जी लिख सकते हैं, दिस इज व्हाट आई मीन टू से। सो आपके पास जो पावर है दिस इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट टाइम बन गया बेटा। आप टाइम को इस तरफ शिफ्ट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास जो है पावर इनटू टाइम इसके बराबर बन गई। तो हमेशा याद रखिए आपका जो पावर है ये बेटे आप किलो वॉट में मेजर करते हैं, एसआई सिस्टम में नहीं करते इसको। कमर्शियली जब भी आप इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की बात करते हो किलो वॉट्स में होता है, और टाइम को आप आवर्स में लोगे बेटा तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है ये आपकी फिर किलो वॉट आवर्स में आप इसको मेजर करोगे। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके किसी भी सोर्स की जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई कर रहा है वो इलेक्ट्रिक पावर मल्टीप्लाइड बाय द टाइम टेकन इसके बराबर होगी। अगर आप इलेक्ट्रिक पावर किलोवाट्स में ले रहे हो, टाइम को आवर्स में ले रहे हो, तो आपका जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है इट विल बी इन किलोवाट आवर्स बेटा। और अगर हम बेटे थोड़ा सा कमर्शियल यूनिट्स की बात करें, हमारे इलेक्ट्रिक एनर्जी की कमर्शियल यूनिट्स कौन कौन सी है, कमर्शियली हम कैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आइए थोड़ा सा और आगे चलें, इसको कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा। वी विल से दैट कि कमर्शियली जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है बेटा इसको आप किलोवाट आवर्स में मेजर करते हो, इसको बेटा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स कहते हैं, दिस वी कॉल एज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स बेटा। तो 1 kilowatt hour आपका 1 unit भी कहलाता है। कई बार आपको इनके बीच में रिलेशनशिप पूछ लेते हैं कि आप किलोवाट आवर और जूल्स इनको रिलेट भी करके बताइए, तो थोड़ा सा ब्रीफली देख लो इसको भी बेटा, आप कैसे इसको रिलेट कर पाएंगे। प्रेजेंटली हम कह रहे थे पावर जो है
ये वर्क डन अपॉन टाइम टेकन के बराबर है, वर्क डन आपका पावर इनटू टाइम हो जाएगा, या वर्क डन की जगह पे आपने एनर्जी लिख लिया था, इट विल बी पावर इनटू टाइम। अगर आप इस केस में यहां पे वन वॉट की बात करोगे, ये वन जूल अपॉन वन सेकंड आ जाता है, आपने अभी अभी किया भी था, वन वॉट इट इज वन जूल अपॉन वन सेकंड, एंड वन जूल इज वन वॉट इनटू वन सेकंड। अब हम बात करने वाले हैं यहां पे, ये आपका जो है वन किलोवाट आवर इस यूनिट की। इस वन किलोवाट आवर को अगर आप ध्यान से देखो तो वन किलोवाट आवर जब आप वन आर के लिए यूज करते हैं, पावर वन किलोवाट की, टाइम वन आर, पूरा एक घंटा अगर आप वन किलोवाट पावर जो है उसको स्विच ऑन रखें तो आपके सोर्स की एनर्जी वन किलोवाट आर जो है ये कहलाती है। अब बच्चों एक किलोवाट में आप अच्छे से जानते हैं 1000 वॉट्स होते हैं, एंड वन आर में 60 × 60 सेकेंड्स होते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है। आप वन आर के सेकेंड्स तो बना ही सकते हैं, तो वो आपने बना लिए। तो ये डियर चिल्ड्रन आपके पास आ गया 1000 यहां से × 60 × another 60, सो मैनी वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड आप यहाँ पे देखिए आपने जूल्स के बराबर कह रखा है। सो वन किलोवाट आर जो है ये 6 × 36 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स के बराबर आपका आ जाएगा ये। सो दिस इज द वे वी कैन रिलेट वन किलोवाट आर एंड जूल्स। बेटे सारे स्टूडेंट्स एक बार चेक कर लीजिए, कोई बात आपको नहीं पता चली तो बताइए, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज फिर आगे चले बेटा। सर हाँ जी बेटे, सर ये जो आपने लिखा पावर इज इक्वल टू वॉट ओवर टाइम, ये थोड़ा समझ नहीं आया। कौन सी चीज बेटे कह रहे हो? ये जो आपने लिखा पावर इज इक्वल टू वॉट ओवर टाइम ऊपर, ये वाला? यस सर। हाँ देख लो बेटे, दोबारा देख लो, कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लीजिए बेटे। जब आप इलेक्ट्रिक वर्क डन या इलेक्ट्रिक पावर और टाइम को रिलेट करना चाहते हो, तो डियर चिल्ड्रन आपके पास पावर जो है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है, ये तो हमारा पावर का डेफिनेशन ही है ना। फिर हमने क्या किया, टाइम को इस तरफ एडजस्ट कर लिया, वर्क डन आपका आ गया पावर इंटू टाइम के बराबर। इसके बाद हमने कहा था कि अगर आपके एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, जितना आप वर्क कर रहे हो सारे का सारा एनर्जी में बदल रहा है, तो वी कैन राइट दैट कि एनर्जी जो है दिस इज इक्वल टू पावर। हाँ जी बोलिए, एनी डाउट बेटा? सो इन दिस वे बेटे हम हमारा जो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कंसेप्ट है इसको डिस्कस कर सकते हैं। पावर को आप किलोवाट्स में, टाइम को आप आवर्स में जब ले लेते हो, तो ये यूनिट आपका जो है ये कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, इसको आप बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स कहते हैं, और बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट्स के अकॉर्डिंगली आप फिर इसको जूल्स के साथ इस तरीके से बेटा रिलेट कर सकते हैं। देख लीजिए बेटा, कोई बात नहीं पता चली फिर से पूछ लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके सर, क्लियर है। ओके बेटा, नाइस सर। हाँ जी बोलिए जी। सर वन किलोवाट को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं? वन किलोवाट आवर को, इसको वन यूनिट भी कह देते हैं सिंपली। आपके घर में जब बेटे सुनिएगा सारे स्टूडेंट ध्यान से, आपके घर में जब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, छोटी सी वो होती है बड़ी लंबी पर, आपको रिसिप्ट सी देके जाते हैं, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इस पर्टिकुलर टाइम में इतने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, आपके घर में इतने यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, उसका मतलब यही होता है कि आप
इस यूनिट की बात कर रहे हो कि कितने किलोवाट आवर आपने एनर्जी की कंजम्पशन की है, तो वो आप डायरेक्टली इसके अकॉर्डिंगली खुद भी मैनेज कर सकते हो, उसको निकाल के देख सकते हो। राइट बेटा, बेटे समझ आ गया सारे स्टूडेंट्स को? चलें आगे। यस बेटा। यस सर। ओके बेटा, आइए फिर बेटे। यस सर। हाँ जी बेटे, इसके बाद एक छोटा सा बेटे न्यूमेरिकल लिखिएगा, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम्ड बाई ए सोर्स इफ 500 वॉट पावर is used for 30 minutes. 500 वॉट पावर है आपके सोर्स की, 30 मिनट्स तक आपने उसको कॉन्टिन्यूसली यूज किया है, तो कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी ये हमारा बेटा रिक्वायर्ड है। आप अच्छे से जानते हैं ये इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम जो है ये बेटा पावर और टाइम के प्रोडक्ट के बराबर है। लेकिन जब भी आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर जो है इट मस्ट बी इन किलो वॉट्स, लेकिन यहाँ पे आपको ये वॉट्स में दी हुई है, तो 500 वॉट के आपको किलो वॉट बनाने पड़ेंगे। पावर बन गई फिर आपकी 1/2 किलो वॉट। और आगे देखिएगा, टाइम हमने आवर्स में लिया हुआ है और यहाँ पे टाइम आपके पास 30 मिनट्स का टाइम है, इसके आपने 30 मिनट्स के अगेन आवर्स बना लिए, दिस इज 1/2 आवर। इसके बाद आप इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड जो है इन टर्म्स ऑफ किलोवाट आवर्स वो निकाल सकते हैं। लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दैट, और वो आपके पास जो है बेटा, आइए देखें इलेक्ट्रिक एनर्जी ई जो है पावर आपके पास बेटे जो था इट वाज 1/2 किलोवाट था, और जो टाइम था 1/2 आर था, इलेक्ट्रिक एनर्जी बन गया 1/2 × 4 किलोवाट आर, या ये आपके पास आ जाएगा 0.25 किलोवाट आवर। इतनी आपके पास में इलेक्ट्रिक एनर्जी की कंजम्पशन होगी, उस सोर्स ने इतनी एनर्जी कंज्यूम करके आपको निकाल सकते हो आप बेटा। बेटे क्लियर है सारे बच्चों को पुत्र? यस डियर चिल्ड्रन। अखिलेश, अपरन, आर्यन, अश्मित, सारे बच्चों का तो नाम नहीं मैं ले पा रहा हूं बेटा। ओके बेटा, वेरी नाइस। फिर एक न्यूमेरिकल और लिखिए बेटा, दैट इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटे कल फिर एक्सरसाइज करेंगे इस चैप्टर की, लिखिएगा बेटे एक न्यूमेरिकल। ए बॉल ऑफ मास, ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम is dropped from a height of 10 meters. A ball of mass 100 gram is dropped from a height of 10 meters. Mass बेटे ball का 100 gram है और हाइट आपको 10 मीटर्स दिया गया है। कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी हाफ वे डाउन। बेटा इसकी वेलोसिटी हाफ वे डाउन या मिड पॉइंट पे आपको निकालनी है। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा स्टेटमेंट पार्ट,
A ball of mass 100 gram is dropped from a height of 10 meters. Calculate its velocity halfway down, beta. जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले तो बेटे आप इन ग्राम्स को किलोग्राम्स में कन्वर्ट करोगे. आपने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, इट इज 1/10 kg, ये आपके पास आ गया बेटा. अब थोड़ा सा डायग्राम मैं अगर ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करूं, ये आपके पास बेटे मास m था बॉल का, ये यहां से आप ड्रॉप कर रहे हो और इसकी हाइट ग्राउंड लेवल से जो है, ये बच्चों आपका जो हाइट है ये 10 मीटर का हाइट है यहां तक. इट विल मीन दैट कि यहां पे इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी mgh के बराबर होती है. और अगर आप मिड पॉइंट लोगे तो यहीं कहीं मिड पॉइंट भी होगा, यहां पे भी इसके पास जो एनर्जी होगी टोटल वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होगी. और यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है ये भी आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर है. लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है टॉप पे बेटा? जीरो. जीरो, वेरी नाइस. इसका मतलब है कि पूरी की पूरी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में पड़ी है. तो टोटल एनर्जी इस पॉइंट पर टॉप पर, मास इसका 1/10, जी 10 ले लिया, हाइट 10 मीटर्स. तो ये टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पर 10 जूल्स के बराबर, चेक करिए आपकी आ रही है, सारे बच्चे चेक करिएगा बच्चों 10 जूल आ रही है कि नहीं. ओके, यस सर. अब देखिए जितनी टोटल एनर्जी यहां पर है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी उतनी एनर्जी यहां पे भी होनी चाहिए टोटल. तो टोटल एनर्जी आपकी इस पॉइंट पर, मिड पॉइंट पर टोटल एनर्जी 10 जूल्स के बराबर, और पोटेंशियल एनर्जी मिड पॉइंट पे कितनी होगी? एम जी एच लगाना पड़ेगा. एम कितना है? 1/10, जी 10. हाइट कितना लू बेटा मैं? 5. बिकॉज हम हाफ में आ गए हैं तो ये 5 आ गया. 10 से 10 आपका कैंसिल आउट हो गया. 5 जूल्स के बराबर पोटेंशियल एनर्जी है. तो बेटे यहाँ पे से देखो, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो तो ये टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जी. टोटल एनर्जी 10 जूल्स, पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल्स, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 5 जूल्स हो गई. लेकिन आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है. सो वेलोसिटी के लिए आप अच्छे से जानते हो काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² के बराबर होती है. इसको आपने, अब ये आपका 5 था इसके साथ इक्वेट कर दिया, 2 को उस तरफ शिफ्ट कर लीजिए. mv² इज इक्वल टू 10 बेटा, और मास आपके ऑब्जेक्ट का कितना है? 1/10, वो आपने निकाल रखा है किलोग्राम्स में. तो लेट मी राइट एट द टॉप नाउ. ये आपके पास आ जाएगा मास 1/10 था, वी का स्केयर साथ में है, दिस इज इक्वल टू 10, वी का स्केयर आ गया 100, वी बन गया 100 का स्केयर रूट, वेलोसिटी बन गई 10 मीटर पर सेकेंड. सारे बच्चे चेक करिएगा, सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? अगर कोई डिफरेंट आ रहा है मुझे बताइएगा. सारे yes, sir. सारे बच्चों का 10 मीटर पर सेकंड आ रहा है बेटा. अब बेटे अगर इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, आपको वो कह दे कि नहीं जी बॉटम पर आप इसकी वेलोसिटी निकालिए जस्ट बिफोर इट इज टचिंग द ग्राउंड, तो आप निकाल पाओगे बेटा? ऑल ऑफ यू बेटे, द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड यहां पे कितनी होगी वेलोसिटी? देखिए जरा करके, 2 मिनट लगाइएगा, टाइम है अभी हमारे पास. वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, ये बच्चों चेक करिएगा कितना आ रहा है आपका.
velocity of the ball just before touching the ground at the bottom point. Sir, at bottom to one. हाँ जी, आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया मुझे, किसने बोला था सर? हाँ जी सर, आपने वहां पे 1/10 वी स्क्वायर लिखा है टॉप पे. हाँ जी, हाँ जी बेटे. सर वो क्यों लिखा है, मास को आपने 1/10 क्यों किया है? नहीं, मास है ही 1/10 किलोग्राम, ये मास की वैल्यू लिखी हुई है. ओके मैम, ओके सर. इस पॉइंट पे आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. बेटा लगाइए एक आधा मिनट जल्दी से सारे बच्चे. यहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी होगी. तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 1/2 mv² के बराबर हुआ करती है, और बॉटम पे टोटल एनर्जी कितनी होगी, 10 जूल्स. सो m इंटू वी स्केयर कितना बन गया, 20. m आपका 1/10 है, 1/10 वी स्केयर इज इक्वल टू 20, वी स्केयर इज इक्वल टू 200, बी इज इक्वल टू √200, बी इज इक्वल टू √2 × √100, एंड वी इज इक्वल टू 10 √2. √2 की वैल्यू आपको पता है 1.414. तो वेलोसिटी बन गई 14.1 meter. सारे बच्चे चेक कर लो, नहीं समझ आई तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं बेटा. अदरवाइज फिर हम एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे. आज के लिए बेटे इतना सफिशिएंट है. किसी स्टूडेंट को कोई बात नहीं पता चली तो जरूर बताइए. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल. रेनुका. एक्सक्यूज मी सर. यस सर. बोलिए जी, बोलिए, बताइए. सर मेरे नेम से कोई फेक आईडी तब कितनी देर से आई हुई है वो. योर गुड नेम सर? सिमरन. सिमरन एक तो सर मैंने अपने साथ क्लास और रोल नंबर लगाया. अच्छा ये वाली है, चलो कोई yes, बात सर, वो नेम और रोल नंबर क्लास ने उसने लिखी हुई. वो फिर बच्चे तो आपके साथी होते हैं, थोड़े शरारतें करने वाले होते हैं कई बार. नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अब तो टाइम ही हो गया है बेटा. चलो बेटे, बाकी फिर कल करते हैं. ठीक है बेटा? ठीक है बेटे, थैंक यू ऑल.